दोस्तों आज हम सोल लैंड एपिसोड 233 की ट्रेलर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों एक और बात, मैं सभी वीडियो में स्क्रीनशॉट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी वीडियो को एडिट करके यूट्यूब में डालता हूँ तो मुझे बार बार कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, इसीलिए मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट यूज कर रहा हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें बिबाडोंग को दिखाया जाता है जो कि विंडस्वॉर्ड ट्राइब के चीफ को ऑर्डर देते हुए कहती है कि वो अपने सोल मास्टर की आर्मी को लेकर टियांडो आर्मी पर अटैक करें। बिबाडोंग की इतना ऑर्डर मिलते ही विंडस्वॉर्ड मास्टर अपनी फॉर्मेशन से बड़े बड़े तलवार को बरसाने लगते हैं। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि पहले हुलिना पूरी आर्मी को लीड कर रही थी लेकिन टैंक्शन ज्यादा से ज्यादा अटैक कर जेलिंग पास के दीवारों को पूरी तरह से दबा करने लगा। इससे टैंक्शन और अटैक करता बिबाडोंग वहां पर आकर उसको रोक लिया था और उसके बाद वहां की कमांड को संभालती है। अब अगले सीन में हमें बोन मास्टर और बिबाडोंग को दिखाया जाता है जहां पर शायद बोन मास्टर जेलिंग पास को तोड़ने के लिए अपने पावरफुल सोल स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे। यह देखकर बिबाडोंग भी सोच रही होगी कि पहले से ही स्वॉर्ड मास्टर ने उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है और अब 96 लेवल के बोन मास्टर भी अपनी पावरफुल सोल स्किल से जेलिंग पास में दबाई मचा रहे हैं। और इसी बीच एक अननोन पर्सन हंसते हुए कहता है कि उन्होंने लंबे समय से अंकल बोन मास्टर की सोल स्किल को नहीं देखा है। इसके बाद अगले सीन में टैंक्शन सी गॉड के मार्शल अवतार को रिलीज कर देता है जिसे देखकर जेलिंग पास में कड़े सभी सोल मास्टर और सोल्जर घबराने लगते हैं। इस वक्त टैंक्शन जेलिंग पास से हो रहे पावरफुल अटैक को रोकना चाहता था, इसीलिए अब टैंक्शन हुलिना से कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम जेलिंग पास को बचाने के लिए इस नदी से ब्रिज को हटा देगी और मेरा सेना को रोकने के लिए पानी पर ही निर्भर रहोगी। भले ही जेलिंग पास के दीवारों के ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारे यह कोशिश पूरी तरह से फेल होने वाली है। सी गॉड के सक्सेसर को पानी से रोकना तुम्हारे सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा कहकर टैंक्शन सी गॉड ट्राइडेंट की यूनिक स्किल को यूज करता है जिससे जेलिंग पास के नदी का पानी सीधा ऊपर उठने लगता है और समुद्र के लहरों की तरह जेलिंग पास के अंदर गिरने लगता है। यह देखकर जेलिंग पास में कड़े सभी सोल्जर और सोल मास्टर घबरा जाते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। अब फाइनली हुलिना भी समझ जाते हैं कि टैंक्शन की पावर पहले ही गॉड की करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त टैंक्शन सी गॉड के रियल पावर को इस्तेमाल कर रहा था, भले ही यह नदी थी पर इसमें इतना पानी था कि इससे जेलिंग पास पूरी तरह से डूब सकती थी, इसलिए टैंक्शन नदी का पानी को हथियार बनाकर जेलिंग पास के डिफेंस को तोड़ने लगता है और जेलिंग पास के दीवारों के ऊपर पहरा दे रही सोल्जर्स को पानी में डूबा डूबा कर नीचे गिराने लगता है। यह कहने का साथ है आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।